Hello viewers, you are watching my channel Maths Exposure. Today we have a question in which in a school of 1200 students, the ratio of number of teachers to students is 1:15. After some teachers join the school, the ratio of the number of teachers to students becomes 3:40. Find number one, the initial number of teachers in the school, and number two, the number of teachers who joined the school. So let's move forward to solve part one. So part one में हमें क्या find out करना है? The initial number of teachers in the school के जब students हमारे पास कितने हैं? 1200 हैं और हमें उस वक्त teachers कितने हैं? तो हमें इनका बच्चों का और students का और teachers का हमें ratio दिया हुआ है. Initial क्या है? 1:15. तो हम suppose करेंगे, suppose the number of teachers in the school be x. X suppose कर लेंगे. तो so we can write, हम क्या लिखेंगे? So we can write, हम क्या लिख सकते हैं कि इनका ratio क्या दिया हुआ था? 1:15. ठीक है, क्या है? Initial number of teachers in the school और हमें ratio क्या दिया हुआ है? Ratio of number of teachers to students. तो पहले teacher आ रहा है, then students आ रहे हैं. तो वन, ये अगर एक टीचर है तो उस पर 15 स्टूडेंट्स हैं. तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें क्या पता लग जाएगी? हमने जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हमने एक्स सपोज कर लिया और 15 के रेशियो के अंदर हमारे पास बच्चों की तादाद हमने बताई हुई, विच इज इक्वल टू 1200. ठीक है, ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई. अब हम सिंपली इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हम निकाल सकते हैं. तो अभी हम इसको कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इसको कर लेते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में. ठीक है जी, तो 1/15 इस रेशियो को मैं ऐसा लिख सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1200. अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 15 × x 15x आ जाएगा और 1200 बन रहा 1200 आ गया. अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो इस 15 का जो कोफिशियंट है x का उसको हम एलिमिनेट करेंगे बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 15. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 15x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 15. तो 15 से 15 कैंसिल हो गया और 15 बंदा 15, 15 8s आर 120 एंड 15 0 आर 0. तो दिस इंप्लाइज दैट x is equal to कितना है हमारा 80. तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, the initial number of teachers in the school are, इसका हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहां पे ऐसा लिख देगा the initial number of teachers in the school equal to 80. This is the answer of part 1. Now let's move forward to solve part 2. अच्छा, part 2 में हमें क्या find out करना है? The number of teachers who joined the school. अच्छा, कि उन्होंने क्या कहा था question में? After some teachers joined the school, the ratio of the number of teachers to students become 3:40. तो हम यहां पे क्या करेंगे? सपोज करेंगे, सपोज द टीचर्स हु जॉइन द स्कूल बी एक्स, एक्स सपोज कर लेंगे. ठीक है, तो सो वी कैन राइट. अब उनका रेशियो क्या हो गया? देखिए, स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो चेंज नहीं हुई है, टीचर्स की तादाद चेंज हुई है. तो हम इसको क्या लिखते हैं? अब वो रेशियो क्या बन गया टीचर्स को ज्वाइन करने के वजह से? 3:40 बन गया है. ठीक है जी, और हमें पता है कि इनिशियल टीचर्स कितने थे? 80 थे. उनमें अगर हम प्लस कर दें एक्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, और स्टूडेंट्स की तादाद तो आपको पता ही है 1200 है. अब सिंपल है हमारे पास, क्या है कि आप इसको हम क्या कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख लेंगे. क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 3/40 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1200. तो अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 40 इंटू
प्लस एक्स इज इक्वल टू 1200 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 8 32 3200 आ जाएगा। ये सिंप्लाइज दैट 3200 प्लस 40x इज इक्वल टू 3600। अब हमें इस साइड से 3200 को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि हमें ये वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3200 यहाँ पॉजिटिव में उस साइड पर राइट हैंड साइड पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 40x इज इक्वल टू 3600 नेगेटिव 3200। अब इसको हम इस साइड पे कर लेते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 40x है। दिस इंप्लाइज दैट 40x इज इक्वल टू और 3600 में से 3200 माइनस करें तो हमारे पास 400 बचते हैं। तो अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो दोनों साइडों को हम 40 से डिवाइड कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट 40x डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 40। तो 40 से 40 कैंसिल और 40 मतलब 40, 40 टेंस आर 400। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10। तो हम यहां क्या लिख देंगे, द टीचर्स हु ज्वाइन द स्कूल, लिख दिया स्टेटमेंट में, द टीचर्स हु ज्वाइन द स्कूल is equal to 10। This is the answer of part 2। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।